السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ख़ुदा की तरफ से मुक़दस किताब जो मज़ब की बुनियाद है वो कभी अकेली नहीं उतरती हमेशा खुदा किसी नेक बंदे पर वही ख़ुदा के किसी नेक बंदे पर ये किताब वही होती है ये नेक बंदे यानी अम्बिया अपनी फैली रविश अपने नमूनों से जमात की तरबियत करते हैं जब भी मज़ब के हवाले से कोई सवाल उठता है तो उसको ये अम्बिया हल कर देते हैं चूँकि इंसानों की उम्रें महदूद होती हैं और मुक़दस कुतब के बाव होने के बावजूद भी हमेशा किसी न किसी शख्स की ज़रूरत होती है जिसका खुदा से एक बरह रास्लु हो और जो इलाही जमातों को सही रास्ते की तरफ़ हिदायत करता रहे इसलिए खुदा ने अम्बिया की वफ़ात के बाद ख़िलाफत का निज़ाम कायम किया है जो नबी की जमात का ख़्याल रख सकें चूँकि खलीफा नबी का जानशीन होता है लिहाजा इससे ताल्लुक और इसकी इताद भी नबी के से ताल्लुक और इताद ही की तरह ज़रूरी है जिस क़ुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा की मोहब्बत पाने के लिए नबी की पैरवी ज़रूरी है उसी कताब में खुदा यह भी फरमाता है कि खलीफ़ा वो खुद चुनता है और उसकी तात ज़रूरी है खलीफा वक्त की तात नबी की तात ही की तरह ज़रूरी है और ये कोई ऐसा ख्याल नहीं जो आज पहली दफ़ा हमहंदियों ने पेश किया हो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसल् के साहबा भी खुलफा राशद की तात करते आए हैं और वो उनको और उस इतात को अपने ऊपर वाजिब समझते थे इराक और शाम की फतुहात हजरत बिन बलीद रजी की आदत में हुई जिन्हें रसूल खुदा ने सैफुल्ला अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था हजरत उमर उनके फन हरब की सलाहियतों और शजात से मौतर, के मोतरफ थे उन्हें कई मार्कों का कायद मुक्र फरमाया लेकिन जब उनकी जगह हज़रत अबू अबैदा रजी अन्न को अमीर मुकर्रमाया तो हजरत ख़ालिद ने कमाल एत का नमूना दिखाते हुए ऐलान किया कि अ मुसलमानों तुम पर इस उम्मत के अमीन अमीर मुकर्र हुए हैं और यूँ उनकी मातहती में खिदम अंजाम देने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इनके आला मुकाम का जिक्र फसल साहब की तकरीर में भी हो चुका है हैजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को हजरत उस्मान ने कोफा में अमीर अमीर मुकर फरमाया और कज़ा और, और माल की ज़िम्मेदारियाँ भी आपकी सपर्द रहीं फिर जब हजरत उस्मान ने आपको इमारत से हटाकर मदीना वापस बुलाया तो कोफा वाले आपको वापस न जाने देते थे और कहते कि आप यहीं रहें यह हमारी ज़िम्मेदारी है कोई आपका बाल भी भीखा नहीं कर सकता इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि खलीफा वक्त हजरत उस्मान की तात मुझ पर वाजिब है और मैं हज गिज़ गवारा नहीं कर सकता कि उनकी नाफरमानी करके फितने का कोई दरवाज़ा खोलूं और यूं आप खलीफा वक्त की कामिल तात का मुजहरा करते हुए मदीना वापस आ गए एक दफ़ा हज़रत अबू मूसा अशरी ने हज के मतलब लोगों को कोई फ़तवा दिया एक शख़्स ने उनसे कहा कि अभी ठहर जाइए क्योंकि हजरत अमीरमिनज़रतमर रज़ील ने इसके मतलब कुछ और बयान फ़रमाया है चुनाचों उन्होंने फ़ौर लोगों से कहा कि मेरे फतवे पर अमल ना करना अमीर उम्मीनी तशरीफ़ ला रहे हैं उनकी इक्तदा करो खिलाफत की तात ना कर नतज भी हमने देखे हैं मसलन जब बाद में कई मुसलमानों ने हजरत अली की तात नहीं की तो इसके भी शदीद नुकसान तारीख में मरकूम हैं आखिर खिलाफत की यह नमत मुसलमानों से ले ली गई फिर तेरह सौ बरस के इंतज़ार के बाद जब फिर से खिलाफत की बुनियाद डाली गई तो फिर से हमने तात के नमूने देखने शुरू किए पहले मैं उन खलफा के अखिलास का जिक्र करूँगा जिनकी हमें तात का कहा जाता है वह खुद अपने से पहले खुलफा की तात में किसी से कम ना थे हजरत भाई अब्दुल रहमान साहब रजी अल्लाह हजरत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब रजी अल्लाह अनु के ताते इमाम का वाक्या बयान करते हुए कहते हैं एक दफा ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने हजरत शहजादा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब अयदहुल्लाहु तआला बंसल लज़ीज़ को مخاطब करके कहा मियां हमसे एक गलती होगी है जिसका तदारुक अब सवाए इसके कुछ नज़र नहीं आता कि हम किसी ढंग से खलीफा के अख्तियार को महदूद कर लें वो बैत ले लिया करें नमाज पढ़ा दिया करें खुद निका पढ़ कर इजाब कबूल और एलान निकाह फरमा दिया करें या जनाजा पढ़ा दिया करें और बस ख्वाजा साहिब की बात सुनकर जो जवाब हज़रत साहिब दादा मिर्ज़ा बशर साहिब ने दिया उसे हम हजूरी के अल्फाज में दर्ज करते हैं हजूर फरमाते हैं मैंने कहा कि इख्तियार के फ़ैसले का वो वक्त था जबकि अभी बैत ना हुई थी जबकि हजरत खलीफा हजरत ख़लीफा अव्वल ने साफ साफ कह दिया कि बैत के बाद तुमको पूरी पूरी अतात करनी होगी और इस तकरीर को सुनकर हमने बैत की तो अब आका के अख्तियार मुकर्र करने का हक हाँ, गुलामों को कब हासिल है? हजरत मिर्जा नासिर अहमद मोहतरम साकििब खलीफत साहेब खलीफतलमसी का खिलाफत का एक नाकबले फरामोश वाक्य बयान करते हैं उन्नीस सौ सैतालीस में खाक साहेब खाकसार साहिबदादा मिर्जा नासिर अहमद के साथ फुरकान फोर्स के रज़ाकारों से मिलने कश्मीर के महाज पर गया और मसलसल कई दिन जागते हुए गुजरे एक दिन नमाज मगरिब से चंद मिनट पहले अपने बेस कैंप में पहुँच गए वजू किया हजरत साहिब दादा साहब ने नमाज पढ़ाई जो ही सुन से फ़ारिग हुए कैंप के इंचार्ज ने हजरत साहेब दादा को एक तरफ ले जाकर हजरत मुसलम रज़ी का कोई ज़रूरी पैगाम पहुँचाया जिसे सुनते ही आपने वहीं से मुझे आवाज़ दी साकिब, आओ गाड़ी में बैठो लाहौर चलें मुझे चूंकि इरशाद खिलाफत और उसकी अहमीत का कुछ इलम न था मैंने बड़ी बेतकलवी से अर्ज़ किया हजरत मियाँ साहिब जिसम थके हुए हैं रात भर जागते रहे हैं इससे पहले सारी रात पैदल सफर में गुजरी है क्या यह बेहतर ना होगा कि चंद घंटे आराम कर लें फिर चल पड़े सारी रात अपनी ही तो है आपने सुनते ही फरमाया हजूर का इरशाद है कि जूह वापस पहुंचे फौरन लाहौर के लिए रवाना हो पड़े बताओ इस फौरी हुक्म के बाद किसी किस्म का तोफ़ की गुंजाइश है हम चंद ही मिनटों में लाहौर के लिए रवाना हो पड़े फिर फरमाया साकिब नजम सुनाना शुरू करो ताकि मैं गाड़ी चला सकूं और इस पर मैंने तामील इरशाद की यहाँ तक कि मैं सो गया और आप भी गाड़ी चलाते चलाते सो गए जब हमारी आँख खुली उस वक्त एक बड़ा दरख्त सिर्फ चंद गज़ के फासले पर था और हमारी गाड़ी हमारी कार सीधी उस तरफ जा रही थी अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें हादसे से, से महफूज रखा इस पर मैंने फिर लजादत से लजाजत से अर्ज़ किया कि मुझे तो छोड़ें आपका वजूद अजहद कीमती है फिर आपको गाड़ी भी चलानी है इसलिए बेहतर हो कि हम कुछ देर गाड़ी में ही आराम कर लें ताकि बाकी सफ़र बखैरीत गुज़र बखैरीत गुजरे इस दफ़ा मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली गई लेकिन फरमाया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे के लिए रुकेंगे मैं इस कदर थक गया था और मेरी आँख नींद नींद से इस कदर भरी हुई थी कि मैं सर गरे बाँ मैं झुकाते ही सो गया लेकिन नहीं कह सकता कि इस अरसे में आप सोए या नहीं क्योंकि ठीक उनसठप मिनट पर आपने मुझे झुंझोड़ कर जगा दिया और सुबहान लधि सखर नहाजा पढ़ कर गाड़ी स्टार्ट कर दी हती कि हम कोई रात के साढ़े ग्यारह बजे के करीब लाहौर की माल रोड पर थे हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमल हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमुल्ल ने एक बार बयान फ़रमाया हज़रत खलीफतुलमसी सालिस रहा ने एक काम मेरे सपुर किया और हुक्म दिया फ़ौरी तौर पर मशरक़ी बंगाल चले जाओ मैंने पता करवाया तो सारी सीटें बुक थीं मालूम हुआ कि बीस आदमी चाँस पर मुझसे पहले है यानी उनसे पहले थे मैंने कहा कोई और जाए ना जाए मैं जरूर जाऊंगा क्योंकि मुझे हुक्म आ गया है एयरपोर्ट पर लंबी कितार थी कुछ देर बाद लोगों को कहा गया कि जहाज चल पड़ा है इस ऐलान के बाद सब चले गए लेकिन मैं वहां खड़ा रहा मैं वहां खड़ा था जरूर सुनवाते हैं मुझे यकीन था कि मैं ज़रूर जाऊंगा। अचानक डेस्क से आवाज़ आई कि एक मुसाफिर की जगह है किसी के पास टिकट है मैंने कहा मेरे पास है उन्होंने कहा दौड़ो जहाज़ एक मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा है इतात इमाम में हज़र मसीह रबे ने कभी अपनी जान की भी परवाह ना की इसी मुनासबत से आपकी बेटी मोहतरमा फ़ायदा साहिबा बयान करती हैं उन्नीस सौ छिहत्तर में तमाम मुल्क महमदीयत के ख़िलाफ़ फसादात की आग भड़क उठी तो इन दोनों गुजरा वाला और उसके गिरदा में बहुत दर्दनाक वाकयात की खबरें मिलीं बाज़ अहमदियों को बहुत दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया हजरत खलीफतुलमसी सालिस फौरी तौर पर हजूर को बुलवा ने उनको फौरी तौर पर हजूर को बुलवाया और फरमाया कि तुम इसी वक्त जा मौके पर हालात का जायज़ा लो और जो मुमकिन कोशिश उन मजलूम अहमदियों के लिए की जा सकती है करो इसमें जरा भी दरेक ना करना हजूर ने वापस आकर अम्मी को बताया कि मैं इसी वक्त गुजरा वाला जा रहा हूं तो अम्मी कुदरती तौर पर बहुत घबरा गई और हजूर से इसका इजहार भी किया हजूर ने नाराजगी से फरमाया तुम्हें तो इस वक्त खुश होना चाहिए कि खुदा मुझे खिदमत का एक मौका दे रहा है अगर तो अगर तुम मेरी जान की खौफ से घबरा रही हो तो मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं अगर खुदा की राह में मेरी जान जाए तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती हजरत खलीफ़तमसीयद अजीज हज़रत सयद अमत सबू साहिबा साहबा एतम के हवाले से खलीफामसी के बारे में फ़रमाती हैं खुलफा के साथ एतात का इतात आपकी तबीयत में कूट कूट कर भरी हुई थी और हमेशा इशारा समझ कर इतात की आप हर मामले में हज़रत मसीह रबे के हर हुक्म की पूरी तामील करते उन्नीस बीस का फ़र्क भी ना होने देते जब हजरत मसीह रबे बीमार हुए आपने मना फरमाया था कि किसी के आने की ज़रूरत नहीं है लेकिन तबीयत कमज़ोर थी और फ़िक्रमंदी थी इंतहाई गिरती हुई हालत देख कर मियाँ शाफ़ी ने हजूर अनवर अयाधा को फ़ोन कर दिया और सूरत हाल बता कर कहा कि अगर आप आ जाएँ तो अच्छा है चुनाच हजूर अद्ला तंदन शरीफ लाए और हज़रत खलीफ़ात हजरत खलीफ़ा राबे खलीफ़लमसी रबे से मुलाकात के लिए गए तो हजूर ने दरियाफ्त किया कैसे आए हो आपने जवाब दिया क्या आपकी तबीयत की वजह से जमात फिक्रमंद है इसलिए पूछने के लिए आया हूँ तो हजूर ने फ़रमाया हालात ऐसे हैं कि फ़ौर वापस चले जाओ चुनाच हजूर एयद ने फरमाया बहुत बेहतर मैं फ़ौर वापसी की सीट बुक करवा लेता हूँ बाद में हजर तो मसीह रब ने मियाँ शैफ़ी से पूछा कि इसमें तो इतनी अतात है कि यह मेरे कहे बग़ैर आ ही नहीं सकता यह आया कैसे तब मियाँ सेफ़ी ने हज़र मसीह रबे को बताया कि उनको तो मैंने फ़ोन पर आने को कहा था इसलिए आए हैं इस पर रहमला को इतमान हुआ कि उनकी तवात के मुताबिक उनके मुजाहिद बेटे की तात अली तरीन मैार पर ही थी सहबा हज़रत मसीह महमदा सल्लाम की तात खिलाफत एक सहाबी यानी हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद रज़ी की तात का तो तात खिलाफत का तो जिक्र हो गया है अब बाज़ और सहाबी सहबा की मिसालें बयान करता हूँ उन्नीस सौ अट्ठाईस में जब हज़रत खलीफ़तमसी रज़ी अल्लाह ने पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन जलसा सीरतनबी मनिकद करने की तहरीक फरमाई उन दिनों हज़रत मीर मोहम्मद शफीस साहिब रज़ी अल्लाह कराची में थे और सत्रह जून को ही बजरिया ट्रेन आपकी वापसी थी यानी इस दिन जलसा होना था खलीफा वक्त की तहरीक को पूरा करने के जिक्र पर आप लिखते हैं सत्रह जून उन्नीस सौ अट्ठाईस को मैं कराची में था उस दिन वहाँ के उस जलसे में शर्क होने का दिल चाहता था जो रसूल करीम सल्ला वम की सीरत पर लेक्चर देने के लिए होना था मगर मजबूरी थी ठहरना मुश्किल था आखिर तीन चाहे यहाँ मैं जिक्र कर दूँ कि ये कोई बरह रास्त हुक्म नहीं था जो किसी जो सारी जमात को दिया गया था कि सब जमात ने कि एक एक फ़र्द ने नबी का जलसा करना है अमूमी हुक्म था कि जमातों ने जलसे का इनका करना है लेकिन वो जो सफ़र पर जा रहे थे और किसी जलसे में शरीक नहीं होते थे, थे उनके अतः का जज्बा देखें कि वो उन्होंने क्या किया आप फरमाते हैं ये जो ट्रे, ट्रेन पर चढ़ चुके थे और उस दिन उनकी वापसी थी आखिर तीन बजे गाड़ी में सवार हो गया और अपनी सीट पर खड़े होकर हज़रत रसूल करीम सल्लाम ख़ातबन्बीन की सीरत पर लेक्चर देना शुरू कर दिया जब दूसरा स्टेशन आया तो उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जा पहुंचा और वहाँ लेक्चर दिया गर्जा के इसी तरह बफजल ताला सात गाड़ियों में पहुँच कर सत्रह जून को तीन बजे से बारह बजे तक मैंने लेक्चर दिए हर लेक्चर की तहमीद में लोगों को यह बता दिया देता था कि मेरे आका और मौला हजरत खलीफतुलमसी अदा तसलीजीज़ के हुक्म से आज तमाम हिंदुस्तान में लेक्चर हो रहे हैं तमाम गाड़ियाँ खचा भरी हुई थी इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि करीबन आठ सौ आदमियों ने मेरा लेक्चर सुना हज़रत मसीह मोहम्मद की अपने कम ना थीरत मौलाना नैयर साहिब रजी अपनी हज़रत आयशा रजी के मतलब लिखते हैं खिलाफत पर ईमान इस कदर मजबूत था कि सत्रह साल की उम्र में जब अहल लाहौर ने खलीफा अव्वल के जमाने में खिलाफत की मुखालफत की और मैं भी मुतासर था तो माँ और बाप की मौजूदगी में मुझे मुखातिब करके कहा तुम हज़रत मौलवी साहिब की मुखालफत करते मालूम होते हो हम तलाक ले लेंगे अभी तो मैंने सिर्फ़ अवलिन साहबा साहबा हज़रत मसीह मौदात और उन बुज़ुर्गों की मिसालें पेश की हैं जिनको बाद में ख़ुद खलीफा के अहदे के लिए चुना गया ये सब ऐसे लोग थे जो या तो सहाबी होने की वजह से और उर्दू और अरबी जानने और इस्लाम का गहरा इम रखने की वजह से या ख़ानदान हज़रत मसीह मौत सलाम में परवरिश पाने की वजह से और खलफ़ा या रसूल ख़ुदा के करीब होने की वजह से ए खिलाफत की अहमियत को तबन अच्छी तरह समझते थे लेकिन खुदा का अपने प्यारे मसीह से वादा था कि वह उसकी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुँचाएगा इसलिए तात खिलाफत की बेनजी मिसालें तो हमें दूर दराज के रहने वाले आम हल्दियों में भी मिलती हैं तहरीक जदीद की तहरीक हज़रत मसीह सानी की एक अहम बहुत अहम तहरीक थी बल्कि है जो उन्नीस सौ 19, में हिंदुस्तान में की थी चूँकि इस तहरीक का माली साल भी इस अक्टूबर के महीने में ख़त्म हो रहा है इसलिए मैं जमात के तात खिलाफत के कुछ वो मिस, मिसालें बयान करूँगा जो इस तहरीक में कुर्बानी से ताल्लुक़ रखती हैं तहरीक जदीद की बुनियाद के अस्सी साल बाद भी और नौ हज़ार किलोमीटर दूर मगरबी अफ्रीका में भी एतात खिलाफत की जो मिसालें वहाँ के आमदी मुसलमान बच्चों में मिलती हैं वह इंसान को हैरत में डाल देती हैं इन मिसालों का बयान करते हुए हजूर अनवर अयद एक खुत में फरमाते हैं इसी तरह लाडा रीजन के मुबलग साहिब कहते हैं कि एक मरतबा सोय जमा के दौरे पर गए थे तो सात साल की एक बच्ची रशीदा या राश्ता अब देखें बच्चों के दिल में भी किस तरह अल्लाह ताला डालता है टमाटर और मिर्चें और माल्टें लेकर आई और कहा कि वो ये सब तहरीक जीत के चंदे के लिए लाई है वहाँ के सदर साहब ने बताया कि वह हर माह चंदा देती है अगर उसकी माँ चंदे के पैसे ना दे तो वह रोती है जो मु, जब मम साहब चंदा लेने आए तो वह स्कूल गई हुई थी आज हमें देख कर वह घर गई और पैसे ना मिले तो अपने खेत से ये चंद चीज़ें बतौर चंदे के ले आई है बस ये कुर्बानी की वो रूह है जो अल्लाह ताला बच्चों में भी पैदा कर रहा है एक और खुत में हजूस फरमाते हैं खाना के मबलिक लिखते हैं कि कुछ अर्सा पहले जमात में माली कुरबानी खूस तहरीक जदीद के बारे में खुतबा दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें बच्चों को भी कुरबानी की आदत डालनी चाहिए कि वो अपने हाथ से चंदा दें इस पर अगले जुमा को नमाज जुमा पर एक तिफ़ल जिसकी उम्र तकरीबन नौ दस साल होगी कुछ रकम लेकर आया और तहरीक जदीद की मद में पेश कर दी पूछने पर उसने बताया कि मैंने वालदेन से चंदे के लिए रक़म मांगी जो किसी वजह से मुझे मिल नहीं सकी आगे फरमाते हैं कि नहीं होगी वालदे के पास कहते हैं मैंने इस पर एक दिन एक दुकान पर मज़दूरी करनी शुरू कर दी और जो रकम हासिल की वो चंदे में दे रहा हूँ फिर सरे लोन की एक मिसाल है वहाँ कैनमा के लोकल मॅम बशीर साहब लिखते हैं कि एक जमात सहराबू में जब अहबाब जमात को चंदा तहरीके जदीद की अदायगी की तरफ तो दिलाई गई तो इसी दौर इसी दौरान एक बच्चा नौ या दस साल की उम्र का होगा और मैंने देखा कि वह सर पर आग जलाने वाली कुछ लकड़ियाँ लकड़ियों का घट्टा लेकर आया और उसने मौलम साहब से कहा कि ये लकड़ियाँ आप मुझसे खरीद लें और जितने पैसे हों वह चंदे में डाल दें मौलम साहिब ने वो लकड़ियाँ उस बच्चे से खरीद लीं और चंदे की रसीद काट दी बाद में वो लकड़ियाँ भी वापस कर दीं कि तुम्हारा चंदा आ गया है फिर हजूर फर्माते हैं अल्लाह ताला इन लोगों के माल और ईमान में बहुत बरकत फरमाए इस तरह कुर्बानी का तस्वूर यहाँ के बच्चों में नहीं होगा कि मेहनत करके मजदूरी करके या जंगल जा लकड़ियाँ काट कर फिर चंदा अदा करें यहाँ हालात अच्छे हैं बेशक यहाँ भी बड़ी अच्छी मिसालें हैं बाद बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेब खर्च की पूरी रकम दे दी कोई ख़ास चीज़ ख़रीदनी थी उसके लिए रकम जमा की थी वो कुर्बानी कर दी खुतबा जुमा आठ नवंबर उन्नीस सौ दो हज़ार उन्नीस जैसा कि हज़ू फरमाते हैं यहाँ के हालात अच्छे हैं उस तरह मेहनत करके चंदा चंदे के पैसे इकट्ठे करने ना पड़ते हों लेकिन हालात अच्छे होने के एक ये मानी भी हैं कि इन तरक्की तरक्याफ़्ता मुल्कों में पैसे कमाने के ज़्यादा तरीक़ और मौके हैं इसलिए नार्वे में रहते हुए अहमदी बच्चे भी अगर उनमें यह ख़्वाहिश और एहसास हो कि हमने ख़लीफ़तमसी की ताद करते हुए तहरीकी जदीद के लिए पैसे जमा करने हैं तो पैसे इकट्ठे करने की कोई सूरतें कई सूरतें निकल सकती हैं अल-मसीह इस बाबरकत तहरीक पर अमल नॉर्विजन बच्चे भी कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अपने घर की बोतलें फांस करके या अपने अपनी कोई चीज़ फिन पर बेच कर या फिर निज़ाम मुल्क के दायरे में रहते हुए और मतलब दारों को मुतल करके खुद अपने हाथ से कुछ खाना या पीना बना कर भी बेच कर कर सकते हैं और अगर अफ्रीकन बच्चों की मजदूरी या घर की अशिया बेचने की मिसालों को की खलीफा वक्त अपने खुद पर जुमे में सारी दुनिया के सामने तारीफ़ कर सकता है तो नाट विजन अहमदी बच्चों का ऐसा ही करना जो खा ने तजवीज़ किया है वो क्या कोई बहुत मुख्तलफ़ बात है मेरी तकरीर का मौजू तो तो एतात खिलाफ़त की बेनज़ी मिसालें हैं इसका ये मतलब हो सकता है कि हमारी जमात में एतात खिलाफत की ऐसी बेनज़ीर मिसालें हैं कि किसी दूसरी मजहबी जमात में ना मिलती हों लेकिन इस मौजू का ये मतलब हरगज नहीं होना चाहिए कि जो मिसालें मैंने बयान की हैं उसकी नज़ीर हम पैदा करने की कोशिश ही ना कर सकते हों बल्कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हम भी इब्तान उन उन जैसी मिसालों यानी उन जैसी मिसालें पेश करने की कोशिश करें यानि खिलाफत की तात उसी तरह करने की कोशिश करें ताकि फिर उधर से तरक्की करके हमें भी ऐसी मिसालें मिलें जो बेनज़ीर कहलाने के काबिल हों आखिर में मैं मज़ करना चाहता हूँ कि यह जो कुरान कुरान करीम में बार बार व अताना के अल्फाज आए हैं यानी हमने सुना और एतात की इसमें एक यह हमत भी है कि खलीफा की अत का हक़ अदा करने के लिए तभी तौर पर उसकी हर बात को हर अशात को गौर से सुनना भी ज़रूरी है अगर मसलन हम हज़ूर का खुतबा जुमा ही न गौर से सुनते हों या तखिर से सुनते हों और हुक्म फौरी हो तो एतात कैसे करेंगे इसलिए नहाय ज़रूरी है कि हजूर के हर अर्शात को बरह रास्त सुनने की कोशिश करें इसके अलावा अपने अंदर एत का मजीद जज्बा पैदा करने के लिए खलीफा वक्त से एक तल्लक़ पैदा करना भी ज़रूरी है इसके लिए ज़रूरी है कि हज़ूर को बार बार दुआओं के खतूत लिखे जाएँ और हजूर से मुलाकात की जाए अल्लाह हम सबको इन बातों की तफीकता फ़रमाए जजाक